Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. Greta Thunberg, जो UN में भाषण दे रही थी. Welcome to our YouTube channel MS Knowledge Hub. Friends, आज मैं आपको जिन Greta Thunberg के बारे में बताने जा रहा हूँ, वो एक विश्व प्रसिद्ध महिला हैं, जो पर्यावरण बचाने तथा जलवायु परिवर्तन को लेकर दुनिया भर में जागरूकता आ रही हैं। ग्रेटा ने इन सब को लेकर US के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उनसे भी मिलने तक का मना कर दिया था। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको इनके परिचय में बता देता हूँ। जो ग्रेटा थनबर्ग हैं, इनका जन्म 3 जनवरी 2003 को हुआ था और ये अभी जो इनकी आयु है वो 17 वर्ष है और ये स्टॉकहोम की रहने वाली है, स्वीडन। और ये इनका जो व्यवसाय है अर्थात जो इस टाइम ये कार्य में लगी हुई है वो है ये पर्यावरण कार्यकर्ता अर्थात जलवायु परिवर्तन है। और इनके जो पिता हैं वो हैं स्वान थनबर्ग और भाई इनका जो दादाजी हैं वो हैं ओलाफ थनबर्ग। आइए अब इनके एक प्रारंभिक जीवन के बारे में एक दृष्टि डाल लेते हैं। तो जो ग्रेटा थनबर्ग का जन्म मैं बता चुका हूँ आपको, 3 जनवरी 2003 को हुआ था और ये स्वीडन की रहने वाली है। ये जब कक्षा 3 में थी, लगभग 8 साल की थी, तो इन्होंने तभी से इस जो पर्यावरण बचाने में बहुत अभिरुचि थी। ये अपने विद्यालय में इस तरीके का प्रोजेक्ट बनाती थी और वहीं से इन्हें इसकी प्रेरणा भी मिली और इन्होंने जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसको लेकर बहुत चिंतित थी और इन्होंने तभी से अपने जो घर पे 8 साल की उम्र से ही इस पर कार्य करना स्टार्ट कर दिया था। और सबसे पहले इन्होंने अपने घर पर ही इस चीज़ को फॉलो करा। इन्होंने अपने माता पिता को शाकाहारी बना दिया, किसी भी तरीके का मीट मांस नहीं खाते थे। इनका मानना था कि अगर ज़्यादा पशु पक्षी इस तरीके से उनका बिना दोहन होता रहेगा तो इनकी वजह से इकोसिस्टम खराब हो जाएगा। और साथ ही साथ वे कोई हवाई यात्रा नहीं करती किसी तरीके की और वह केवल साइकिल का यूज़ करती हैं। तो ये सब तो उन्होंने अपने घर से स्टार्ट किया। अब जब ये 2015 वर्ष की थी तो स्कूल से निकल कर इन्होंने स्वीडन भाषा में एक जलवायु के लिए स्कूल बन दी, यानी कि स्कूल स्ट्राइक फॉर क्लाइमेट शब्द स्वीडन का है, इस जलवायु परिवर्तन को लेकर इस तरह से इन्होंने स्ट्राइक की। और इन्होंने 11 दिसंबर 2019 को इन्हें टाइम पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार भी प्रदान किया गया। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। 11 दिसंबर 2019 को इन्हें टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी दिया गया। ग्रेटा अपने जो उनका जो बात करने का स्वभाव था वो सीधे शब्दों में बात करती थी, चाहे उनके सामने अमेरिका का राष्ट्रपति हो, चाहे किसी बड़ी से बड़ी संस्था या UN का क्यों ना हो, तो सामने एकदम स्पष्ट बात थी, स्पष्ट बोलती थी। और उन्होंने इसको लेकर बहुत जागरूक थी, बहुत चिंतित थी पर्यावरण प्रदूषण और जितने भी इकोसिस्टम है उस सबको लेकर के, जो जलवायु परिवर्तन है उसके खास कर ये बहुत ज़्यादा जागरूक थी और लोगों को भी जागरूक कर रही थी। इनके द्वारा एक इवेंट भी चला गया जिसका नाम था फ्यूचर फ्राइडे फॉर फ्यूचर। तो फ्राइडे फॉर फ्यूचर ये जो इवेंट चला था इसका ये था कि ये हर फ्राइडे को अपने स्कूल से स्कूल बंद कर करके और जितनी भी इसके साथ की छात्राएं होती थी सबको ये फ्राइडे फॉर फ्यूचर यानी कि उस दिन जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर लोगों को जागरूकता पैदा करने के लिए इन्होंने ये दिन चुना। और संसद जो कि स्वीडन की संसद थी उसके बाहर जा करके ये अपने शुक्रवार के दिन इसका विरोध प्रदर्शन करते थे। तो फ्राइडे फॉर फ्यूचर के साथ साथ जो इन्होंने जब इस तरीके का करा तो और भी जो छात्राएं थी इनके आसपास की, जो स्कूल के और भी बच्चे थे जो अड़ोस पड़ोस के, उन सब ने भी इसका उन्हें प्रोत्साहन मिला इस चीज़ से लेकर के, तो उन्होंने भी इसका विरोध करना स्टार्ट कर दिया और सब ने मिलकर जो है हर फ्राइडे को ये इवेंट जारी रखा, फ्राइडे फॉर क्लाइमेट, फ्राइडे फॉर फ्यूचर। और अब बात करते हैं इनके सम्मान और पुरस्कार की। तो वैसे इनका मानना था मोमेंट्स नीड्स नो अवार्ड, यानी कि इनका मानना था कि कोई भी मूवमेंट हो चाहे कोई भी ये आंदोलन करनी है तो उसे कोई अवार्ड की आवश्यकता नहीं होती, परंतु जो है वहाँ की जो सम्मानित संस्थाएं हैं उन्होंने बहुत सारे इन्हें पुरस्कार दिए हैं। अब इन्हें कई तरीके का सम्मान और पुरस्कार मिल चुके हैं। तो सबसे पहला पुरस्कार इन्हें मिला था स्कॉटलैंड का जो शाही भौगोलिक सोसाइटी की जो मानद उपाधि है, एक तो उन्हें वो प्रदान करी गई। उसके बाद टाइम्स पत्रिका में जो 100 सर्वाधिक शक्तिशाली प्रभावशाली लोग थे, प्रभावशाली लोग जो विश्व वर्ल्ड फेमस लोगों की सूची में इनका नाम आता है। उसके बाद सन 2019 में फोर्ब्स पत्रिका द्वारा विश्व की 100 सर्वाधिक प्रभावशाली स्त्रियों में भी इनका नाम सम्मिलित किया गया, जो एक घोंगा प्रजाति होती है उसका एक प्रजाति मिली थी घोंगा प्रजाति, तो उसका जो नाम ग्रेटा के नाम पर रखा गया। तो ये इन्हें इस तरीके के सम्मान इन्हें दिए गए थे। तो 2019 में एक सम्मान और मिला, सम्यक जीविका पुरस्कार राइट लाइवलीहुड अवार्ड भी प्रदान किया गया।
तो ये पुरस्कार ही अब तक और सम्मान ये पा चुके हैं। तो ग्रेटा थनबर्ग के बारे में मैंने आपको शॉर्ट स्पीच में बिल्कुल शॉर्ट में अब बहुत अच्छा से बता दिया है कि परीक्षा की दृष्टि से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया। अब एक मैं इनका थोड़ा सा ब्यूरो आप यहाँ से भी देख सकते हैं शॉर्ट डिटेल। नाम इनका ग्रेटा थनबर्ग है, जन्म इनका 3 जनवरी 2003 को हुआ था स्टॉकहोम में स्विट्जरलैंड में। इनका धर्म ईसाई है, राशि जो है मकर है। इनके नाम के अनुसार देखे जाए इनकी इनकी जो सिस्टर है उनका नाम था अरमान थनबर्ग और भाई इनका है नहीं और विवाह अभी शादी इनकी हुई नहीं है अर्थात मैरिज नहीं है। और स्कूल दोनों स्टॉकहोम जो था राजधानी है स्वीडन की वहीं के आसपास के स्कूल में ही पढ़ती थी और शिक्षा जो उच्च विद्यालय की शिक्षा इन्होंने अभी तक ली है। और ये पर्यावरण कार्यकर्ता है ये इनके बारे में इनकी डिटेल। तो देखिए जो एग्जाम की दृष्टि से अगर देखा जाए तो इनसे कम से कम यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये बनता है जो ग्रेटा थनबर्ग है इस समय यूएन में जो भाषण देने वाली सबसे कम उम्र की जो महिला है इस समय ग्रेटा थनबर्ग यानी 17 साल की उम्र में इन्होंने यूएन में भाषण दे दिया था और वहां साफ बोला था इन्होंने कि आप लोगों की यानी हिम्मत कैसे हुई मेरे जो बचपन है उसे बर्बाद करने की जो मेरे सपने थे भविष्य के उसे बर्बाद करने की आप लोगों की कैसी हिम्मत हुई। तो ये इस स्पीच के कारण बहुत अधिक प्रसिद्ध हुई थी और तभी से इनका नाम जो आने लगा और फिर जो है जो संस्थाएं होती हैं उन्होंने इनका पुरस्कार देना प्रारंभ कर दिए। तो फिर जो एग्जाम परस्पेक्टिव से एक क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे कम उम्र की जो महिला है जिन्होंने यूएन में भाषण दिया था कौन है तो ग्रेटा थनबर्ग है और ये कहाँ की है ये स्वीडन की है इतना याद रखना आपको। दूसरा है इन्होंने एक इवेंट चलाया था फ्राइडे फॉर फ्यूचर इस इवेंट को याद रखना है जो इवेंट आ सकता है एग्जाम में कि फ्राइडे फॉर फ्यूचर किस के लिए चलाया था जलवायु परिवर्तन के लिए किसने चलाया था ग्रेटा थनबर्ग ने। दूसरा है जो सम्मान मिले हैं उसका आप याद रख सकते हैं कि टाइम्स जो टाइम्स पत्रिका है उसमें जो फोर्ब्स पत्रिका द्वारा जो विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली स्त्रियों में उनका नाम सम्मिलित है एक ये 2019 में और 2019-20 में लगातार 2 बार नोबेल के लिए सम्मानित करा गया। और एक जो घोगा प्रजाति का जो नाम है वो भी इनका ग्रेटा के नाम पर रखा गया। ये 3-4 और सम्यक जीवी का पुरस्कार ये पुरस्कार भी इन्हें मिला है। तो ये 3-4 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं आप इन्हें अच्छे से देख लीजिएगा। तो ये था ग्रेटा थनबर्ग के बारे में। आप लोगों से एक निवेदन है आप वीडियो को लाइक करें ना करें शेयर करें ना करें परंतु यदि आपको वीडियो में कोई इशू नज़र आता है कोई कमी नज़र आ रही है कोई गलती नज़र आ रही है तो कृपया करके मुझे कमेंट अवश्य करें मुझे बताएं जिससे क्या होगा कि मैं जो मेरी आगामी वीडियो होगी उनमें मैं सुधार कर लूँगा। आपको कोई भी अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कोई भी त्रुटि आपको इसमें दिख रहा है कोई सुझाव या सलाह मुझे देनी है तो आप कृपया करके कमेंट अवश्य करें जिससे क्या होगा कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं जो अपनी आगामी वीडियो रहूँगी उनमें थोड़ा परिवर्तन करके और अच्छा प्रयास करूँगा आपको ज्ञान पहुँचाने तक। मेरा उद्देश्य यही है इस चैनल बनाने का कि इस माध्यम से मैं अपने समय का सदुपयोग कर रहा हूँ आप भी इससे अपने समय का सदुपयोग करिए आपके साथ साथ मेरे ज्ञान में वृद्धि हो रही है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।